एक गरीब आदमी ने अपने साहब से पूछा, साहब कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे मैं रातों रात अमीर बन जाऊं और मेरे पास बहुत पैसे हो जाए जिससे मैं अपने सपनों को पूरा कर सकूं। उसके साहब ने बोला, कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है कोई रातों रात अमीर बन पाएगा, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। और जिसको ऐसा लगता है कि रातों रात अमीर बना जाता है तो भाई लॉटरी खेल, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। वो आदमी बोला, इतना पैसा तो मेरे पास नहीं, कोई टिप्स बताओ जिससे मेरी जिंदगी बदल जाए। उस साहब ने बोला, मैं टिप्स तो बता देता हूँ लेकिन तुझे रातों रात अमीर नहीं बनाएगा, तुझे उसे फॉलो करना पड़ेगा तब जाकर तेरी जिंदगी बदलेगी। वो आदमी ने कहा, सर मैं कौन सा ऐसा काम करूँ जिससे मेरी जिंदगी बदल जाए, प्लीज सर बताइए। उसके साहब ने बोला, तू गरीब है तू मत सोच, तू गरीब है तू कुछ कर नहीं पाएगा, तेरे अंदर वो क्वालिटी है तू कर सकता है, पर इन चार टिप्स को अगर तू फॉलो करेगा तो तेरी जिंदगी जरूर बदलेगी। पूछा, सर जल्दी बताइए ताकि मेरी जिंदगी बदल जाए, मैं बहुत गरीबी में जूझ रहा हूँ। उसके साहब ने बोला, पहला पॉइंट तू नोट कर, बुरी संगत में मत रहो, जो लोग तुझे निगेटिव रास्ता दिखाते हैं तू उनका साथ छोड़ दे, जो लोग कहते हैं तू कुछ नहीं कर सकता उनका साथ छोड़ दे, तू अकेला रह जा चलेगा, पर उन लोगों के साथ मत रहो जो तुझे बर्बाद करने की सोच रहे हैं। उस गरीब आदमी ने कहा, ठीक है सर मैं ऐसा ही करूँगा, पर दूसरा पॉइंट बता दीजिए। तो उसके साहब ने बोला, कमाई से ज़्यादा खर्च मत कर, होते हैं अपने कमाई से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि मतलब जहाँ खर्च नहीं करना होता है वहाँ पर भी खर्च कर देते हैं। जैसे अगर जूते, उन्हें मार्केट में 300 के भी मिल जाएंगे लेकिन वो 3000 का खरीदना पसंद करते हैं, उनकी जो कमाई है मंथली 7000 है लेकिन 7000 कमाते हैं और 5000 जूते में इन्वेस्ट कर देते हैं, जबकि वह 300 में काम चला सकते हैं। वो दिखाने में ज़्यादा जाते हैं इसीलिए वह गरीब रहते हैं। तो कहा, साहब आपने तो बहुत सही बात की, ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे विलेज में जो ऐसे ही बिल्कुल ही करते हैं। साहब तीसरा पॉइंट बता दीजिए, लोग क्या कहेंगे इसके बारे में मत सोच, मतलब आप कोई काम भी कर रहे हो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। बहुत से लोग छोटे काम को करने में गिल्टी फील करते हैं, पर उन्हें उस काम को इम्प्रूव करना चाहिए और बेहतर करने की सोचना चाहिए, बल्कि उसे छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ एक कंडीशन पर आप छोड़ सकते हैं, जैसे कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको दिल नहीं लगता है, आपकी कमाई भी अच्छी खासी नहीं होती है, पर दूसरे काम में आपको मज़ा आ रहा है, आपको लगता है कि सक्सेस जल्दी मिलेगा, तो आपको उस काम को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप ना उसमें आगे निकल पाएंगे ना उसमें, जो जिसको आप सोच रहे हैं आपके लिए बेहतर है उसको करना आपके लिए ज़रूरी भी है। उस गरीब आदमी ने पूछा, साहब चौथा पॉइंट बता दीजिए जिससे मैं कुछ बड़ा कर सकूँ। उसके साहब ने बोला, जिसके लिए किसी को अगर पैसा ना मिलता हो फिर भी वह काम कर रहा है तो वह समझ लो अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बनने वाला है। जैसे कोई व्यक्ति कोई काम तो कर रहा है और उसके लिए उसको एक पैसा भी नहीं मिल रहा है, पर लगातार वह करता रहा है 2-3 साल से, वास्तव में एक दिन ऐसा आएगा उसको इतना पैसा मिलेगा कि वह गिनते गिनते थक जाएगा। यह चार पॉइंट अगर कोई भी गरीब व्यक्ति अपनी जिंदगी में अपना लेता है तो वास्तव में यकीन मानो उसकी जिंदगी जरूर बदल लेगी। यह कोई मजाक की बात नहीं है, जो लोग सीरियस नहीं लेंगे वास्तव में यूट्यूब पर आप जाओगे तो लाखों पॉइंट्स मिलेंगे, आप सभी वीडियो देखोगे और ऐसे पॉइंट छोटे छोटे चले जाओगे, पर एक पॉइंट अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो जिंदगी में कभी सफल नहीं बनोगे। लेकिन अगर आप इस पॉइंट को जरूर नोट कर लेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। वीडियो अच्छा लगे जरूर शेयर करना, अनसब्सक्राइब करना। जय हिंद।